हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते, आदा, सत श्री अकाल, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। हाँ जी, गुड इवनिंग जी, कैसे हो आप सब? कैसे चल रही है स्टडी आपकी? हाँ जी, कल हम चैप्टर किया सुप्रीम कोर्ट। हाँ जी, हाँ जी, गुड इवनिंग जी। आज हम करते हैं ओरिजिनल यूरिडिक्शन। ठीक है, ओरिजिनल यूरिडिक्शन। देखो, इसका असली अधिकार क्षेत्र ओरिजिनल, ओरिजिनल मतलब मीन्स, ओरिजिनल मीन्स जो डायरेक्ट इनके पास आता है, दैट इज कॉल्ड ओरिजिनल यूरिडिक्शंस। ठीक है, देखो, ऐसा डिस्प्यूट जो सेंटर और वन और मोर स्टेट एक साइड हो, ठीक है, हाँ जी, एक साइड सेंटर मोदी जी, एक साइड वन स्टेट और मोर स्टेट। देखो, जो स्टेट और सेंटर की लड़ाई होगी, ठीक है, ये भी कहाँ जाएगी? सुप्रीम कोर्ट की। ये ओरिजिनल यूरिडिक्शन है। ये यूपीएससी 2-3 बार ये क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा है उन्होंने एग्जाम में। वेरी सिंपल जी। हाँ जी, कोई इसमें डाउट? देखो, सेंटर और स्टेट की लड़ाई हो जाए, एक साइड मोदी गवर्नमेंट है, एक साइड स्टेट गवर्नमेंट है, तो वो लड़ाई कहाँ जाएगी? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। ये उनकी रीजनल ज्यूरिडिक्शन है। ये मैंने फर्स्ट पॉइंट क्लियर कराया। क्लियर है जी? हाँ जी, दिस पॉइंट इज क्लियर। हाँ जी, हाँ जी, ये रीनल यूरिडिक्शन है। क्लियर है?
देखो सेंटर और स्टेट की लड़ाई हो जाए, सेंटर कौन है? फादर है। स्टेट कौन है? उसके बच्चे हैं। जो उनकी लड़ाई हो जाए सेंटर और स्टेट की, कहाँ जाएगी वो? सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, सिंपल है जी। दूसरा पॉइंट है कि वन साइड सेंटर है और कोई स्टेट है, ठीक है, दूसरी साइड कोई स्टेट है या और स्टेट है, ठीक है, फिर भी ये डिस्प्यूट कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। हाँ जी, दिस पॉइंट इज क्लियर। देखो एक साइड सेंटर और स्टेट है, दूसरी तरफ एक स्टेट है जहां एक स्टेट से ज्यादा है। हाँ जी, क्लियर। ठीक है, तीसरा, बिटवीन टू और मोर स्टेट्स कोई डिस्प्यूट, दो या दो से ज्यादा स्टेट्स हैं, टू और मोर, उसके बीच कोई डिस्प्यूट है तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। देखो ये सुप्रीम कोर्ट की रीजनल यूरिडिक्शन है। हाँ जी, ये सुप्रीम कोर्ट की एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव राइट है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करता है, कोई और नहीं डिसाइड कर सकता, ठीक है। हाँ जी, कहते हैं कि एक चीज माइंड में रखनी है आपने। देखो जो डिस्प्यूट है वो दो तरह के है जो डायरेक्ट ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन बनती है। पहला क्या है कि देखो कोई लॉ का मैटर होना चाहिए, कोई लॉ रिगार्डिंग डिस्प्यूट होना चाहिए, रिगार्डिंग कोई लॉ, बाय लॉ। हाँ जी, आप मेरी बात समझ रहे हैं। चलो मैं एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। आपने बीरूबारी केस तो सुना है आपने, मैंने आपको करवाया था बीरूबारी, ठीक है। बीरूबारी में क्या था कि ठीक है, एक गांव का डिस्प्यूट था पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, ठीक है, तो ऐसे मसला कोई धरती हम दे रहे हैं या ले रहे हैं, ठीक है, तो स्टेट का डिस्प्यूट भी हो सकता है, ठीक है। जैसे बंगाल, बंगाल भी सुप्रीम कोर्ट में गया, देखो सुप्रीम कोर्ट अप्रोच किया वेस्ट बंगाल ने, ठीक है, कहते हैं कि ये मेरी धरती दे रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या है? रिगार्डिंग लॉ है, कोई लॉ का मैटर है ये, ठीक है, कोई रिगार्डिंग लॉ, ठीक है। जैसे पंजाब में वाटर टर्मिनेशन एक्ट 2004 में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पास किया, ठीक है, तो उसको भी जो चैलेंज किया गया है, ठीक है, हरियाणा द्वारा सुप्रीम कोर्ट में, कि ये जो लॉ है ये गलत बना है, ठीक है, हमें पानी मिलना चाहिए, ठीक है, वो पानी मना करता है वो लॉ, वाटर टर्मिनेशन एक्ट, ठीक है, 2004। हाँ जी, क्लियर है जी। तो देखो कहते हैं रीजनल ज्यूरिडिक्शन में पहला लॉ का पॉइंट होना चाहिए, दिस पॉइंट इज क्लियर। हाँ जी बोलो। हाँ जी, सेकंड पॉइंट क्या है? हाँ जी, दूसरा क्या है कि क्वेश्चन पॉलिटिकल नेचर का नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकल नेचर का यहाँ यहाँ डिसाइड नहीं होगा, कोई पॉलिटिकल नेचर का, ठीक है, कोई राजनीतिक नेचर का कोई केस है तो वो नहीं डिसाइड होगा, कोई लॉ के रिगार्डिंग, कोई कोई कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग, कोई लॉ के रिगार्डिंग, वही वही मैटर ही देखा जाएगा, कोई और मैटर नहीं देखा जाएगा, ठीक है जी। हाँ जी, दिस पॉइंट इज क्लियर।
मान लो सपोज कोई प्राइवेट सिटीजन सेंटर और स्टेट के पास जाता है, सेंटर और स्टेट के खिलाफ, ठीक है, सेंटर और स्टेट के खिलाफ जाता है, तो वो रीजनल यूरिडिक्शन में एंटरटेन नहीं होगा, ठीक है। आप सेंटर के खिलाफ मुकदमा कर सकते हो क्या? आप स्टेट के खिलाफ सूट डाल सकते हैं क्या? हाँ जी, यस नो, नहीं डाल सकते हैं आप, ठीक है। आप सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ, इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ मुकदमा कर सकते हैं, आप स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ ही मुकदमा कर सकते हैं। हाँ जी, क्लास रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। कैसे होगा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हाँ जी, आप रेलवे में सफर कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट, बिल्कुल सही है जी, हरसिमरन का बिल्कुल सही आंसर है। आपको 10 लड्डू ना मिलते हैं और सोफिया की तरफ से बहुत बहुत ब्लेसिंग, आपके फंडामेंटल राइट छीन जाए फिर तो आप कर ही सकते हैं। इसके अलावा भी आपको मैं केस बताता हूँ, जैसे आर्मी का ट्रक आ रहा है, आर्मी का ट्रक, ठीक है, तो मान लो कोई बंदा बाइक पे जा रहा है, वो नीचे आ गया आर्मी के ट्रक के नीचे आ गया, तो आर्मी किसके अंडर है बोलो, किसके अंडर है आर्मी? यूनियन के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, बिल्कुल सही आंसर है आपका। तो जो परिवार वाले हैं, मान लो बंदा मर गया, तो वो किसके खिलाफ केस करेंगे? यूनियन गवर्नमेंट के। अब पता चल गया, ऐसे स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ, यूनियन गवर्नमेंट के खिलाफ प्राइवेट बंदा भी केस करता है, कहते वो रीजनल यूरिडिक्शन में नहीं आएगा, ये चीज मैंने करवाई, आप बोलो क्लियर है? दूसरा, वो लॉ नेचर का होना चाहिए, ठीक है, वो उसका पॉलिटिकल नेचर नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल नेचर का मतलब क्या है कि आप जो एक स्टेट या सेंटर का डिस्प्यूट, पॉलिटिकल नेचर कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जब भी कांग्रेस की सरकार रही है सेंटर में, मनमोहन सोनिया जी, और पंजाब में अकाली दल की गवर्नमेंट थी, ठीक है, तो अकाली दल वाले कहते थे कि देखो हमारे साथ ये कांग्रेस ही धक्का कर रहे हैं, हमें हमें ग्रांट्स नहीं दे रहे ये, ठीक है, ये क्यों? क्योंकि हम, हमारी बनती नहीं है कांग्रेस के साथ, ठीक है, हमारे साथ इनजस्टिस कर रहे हैं, तो ऐसी बात को लेके झगड़ा करते थे सेंटर से, अकाली दल गवर्नमेंट। हाँ जी, तो उसका केस सुप्रीम कोर्ट में नहीं किया जा सकता, देखो जी ये हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं ये लोग, तो ये पॉलिटिकल नेचर है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां एक दूसरे पे एलिगेशन लगाती रहती हैं, मतलब ऐसा केस सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा। हाँ जी, अब क्लियर है? लेकिन कोई लॉ का मैटर है, कोई लॉ बना है मान लो, ठीक है, लॉ के रिगार्डिंग कोई डिस्प्यूट है, तो वही जाएगा, ठीक है। मैंने आपको जैसे बताया कि पंजाब, ठीक है, वाटर टर्मिनेशन एक्ट पास हुआ, ठीक है, वाटर टर्मिनेशन एक्ट, ठीक है, 2004 में, ठीक है, तो ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया, अब क्लियर है? बाकी कुछ नीचे 7 पॉइंट्स दिए गए हैं, कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की यूरिडिक्शन नहीं लागू होती, वो किन किन से मैटर हैं, कहते हैं कि पहला कोई डिस्प्यूट है जो पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले कोई ट्रीटी हुई है, एग्रीमेंट हुई है, ठीक है, कुछ पहले कोई इंस्ट्रूमेंट साइन हुए हैं, तो उस पे सुप्रीम कोर्ट का जो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन नहीं बनता कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले। हाँ जी, क्या बात कर रहे हो भैया आप, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट चैप्टर कर रहे हैं। हाँ जी, कल की क्लास जिसने लगवाई है तो भाई याद रखा करो, ठीक है, आपको सुन के नहीं पता चलता कि क्या चल रहा है। हाँ जी, आप रैपिंग सुन रहे हैं, ठीक है, तो वो रैपिंग में करता है बोथ हार्ट बोथ हार्ट बोथ हार्ट बोथ हार्ट,
तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई गुरबाणी चल रही है, कोई भजन चल रहे हैं, ठीक है, आपको ऐसा फील होगा, ठीक है, आपको लगेगा कि कोई, ये तो कोई कीर्तन कर रहा है, ठीक है, आवाज सुन के ही पता चलना चाहिए कि भाई कौन सा चैप्टर चल रहा है, आपको दो लाइनें सुन के समझ आ जाएगा अभी क्या चल रहा है, ठीक है, तो याद रखा करो ऐसी चीजें, ठीक है। सारे पूछते हैं कि क्या चल रहा है भाई, कौन सा पेज नंबर है, ठीक है, आप जिंदगी में नकल कैसे मारेंगे आप, ठीक है, हम नकल को प्रमोट नहीं करेंगे, ना यूपीएससी में ऐसा कुछ होता है, ठीक है, लेकिन आप काम कैसे करेंगे, कल को ऑफिसर बन गए तो आप कैसे पेज फ्रो लेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ क्या चीज क्या लिखी है, बहुत काम नोट करने पड़ेंगे, ठीक है। ठीक है, मैं बहुत चैटिंग में देखता हूँ, बहुत बार लिखा आता है चैप्टर नंबर बताओ, ठीक है, पेज नंबर बताओ, अरे भाई क्या चीज कर, आप सुन रहे हैं तो आप देखो, ठीक है, देखो ये बहुत दिक्कत आ रही है, ठीक है, जो क्लिक मीटिंग पे हम रिकॉर्ड कर देते हैं वो क्लासेस ही डिलीट हो जाती हैं, ठीक है, तो ऐसी दिक्कत को जल्दी दूर करेंगे। हाँ जी, तो कोई ट्रीटी एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है, तो उस पे लागू नहीं होता, कोई ट्रीटी हुई है किसी स्टेट की या सेंटर की, ठीक है, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट है, ठीक है, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट है, वो पहले नहीं जाएगा, पहले यूनियन गवर्नमेंट उसे सॉल्व करेगी, ये फिर भी सॉल्व नहीं होता फिर जाएगा, मैंने आपको ये चीज़ कराई है, ठीक है, जैसे पंजाब हरियाणा का डिस्प्यूट है तो पहली दफा फर्स्ट इंस्टेंस नहीं जाएगा, जब वहां पे ट्रिब्यूनल बनेगा, ट्रिब्यूनल ने कोई वार्ड दे दिया, फिर ट्रिब्यूनल का जो वार्ड होता है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, जो भी मैटर फाइनेंस कमीशन मैटर जो रेफर किए जाते हैं फाइनेंस कमीशन को, ठीक है, तो उस मैटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट नहीं जाया जा सकता, एक्सपेंसेस सेंटर और स्टेट का जो भी खर्चा होता है और उसकी एडजस्टमेंट, ठीक है, देखो कितनी सुंदर बात लिखी है कि सेंटर स्टेट से पैसे मांगता है या स्टेट सेंटर से पैसे मांगता है, तो फाइनेंशियल मैटर को लेकर हम कोर्ट में नहीं जाएंगे, बहुत अच्छी बात है ये, ठीक है, जज को भी सजा दीजिए, क्राइम करता है वो तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है, पर बहुत कम होता है कि इतने बड़े रुतबे पे जाकर उनको कोई सजा दिला सके, इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है, पर कुछ भी हो सकता है, ये लॉ है, ठीक है, लॉ इक्वली ट्रीट करता है सबको। हाँ जी, तो ऑर्डिनरी डिस्प्यूट कमर्शियल नेचर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, बिजनेस को लेकर सेंटर और स्टेट में डिस्प्यूट हो जाए वो नहीं जाएगा, रिकवरी ऑफ डैमेज बाय स्टेट अगेंस्ट द सेंटर, देखो स्टेट कोई रिकवरी मांग रहा है सेंटर से, स्टेट का कोई नुकसान कर दिया सेंटर ने, ठीक है, उसकी रिकवरी मांग रहा है, ठीक है, तो इस पे हाँ जी बिल्कुल ठीक है जी,
एक कंट्री दूसरी कंट्री का एरिया बाय कर सकती है। यूएसए का अलास्का स्टेट है, आप जानते होंगे, उन्होंने रशिया से बाय किया है। ठीक है, हाँ जी क्लियर है जी। ठीक है, यहाँ 1961 में कहते वेस्ट बंगाल सेंटर के खिलाफ गया, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट ने कंसेशन वैलिडिटी कोल बोरिंग एरियाज एक्ट 1957 उसको चैलेंज किया गया। ठीक है, तो सेंटर स्टेट के ये डिस्प्यूट है वो हो सकते हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। नेक्स्ट है राइट टू यूरिडिक्शन। ठीक है, ये आपको मैंने फंडामेंटल राइट में करा दिया राइट टू यूरिडिक्शन, ये मैं नहीं कराऊंगा, आई एम वेरी सॉरी। ठीक है, कहते हो तो करा देता हूँ, जो बच्चे कहेंगे भी करा दो आज, तो आज मैं फिर करा दूंगा, लेकिन मैं फंडामेंटल राइट में पहले करा चुका हूँ आपको। हाँ जी बोलो। ओके चलो कराते हैं। पहली रेट है हैबिस कॉर्पस। जब आपके फंडामेंटल राइट वायोलेशन होते हैं, ठीक है, तो आप, ठीक है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। कौन से आर्टिकल के तहत बोलो, कौन से आर्टिकल के अंडर? 32। अंकित बिल्कुल सही आ रहा है, शिवम सेठी, हरमनप्रीत, ठीक है, और रोहित, दीक्षा, कमल, ठीक है, सबका आंसर सही आ रहा है। ठीक है, इन सबको 10-10 लड्डू नाम और सोफिया की तरफ से बहुत बहुत ब्लेसिंग। ठीक है, देखो जो फर्स्ट लिखेगा लड्डू उसको ही मिलेंगे। ठीक है, बाद वालों को भी लड्डू मिलेंगे लेकिन उनके नाम नहीं बोल सकता, आई एम वेरी सॉरी। फिर क्लास का हमारा सिलेबस नहीं क्लियर होगा, ये बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। ठीक है, तो पहली रेट करते हैं हम हैबिस कॉर्पस। जब किसी परिवार का बंदा पुलिस पकड़ लेती है, ठीक है, गांव में तो बेचारे अनपढ़ लोग होते हैं, जो भी खाकी वर्दी वाला आ जाए, चाहे वो पोस्टमैन ही आ जाए, ठीक है, उसको लगता है कि पुलिस आ गई, वो तो उसके साथ भी चढ़ जाएंगे कि हमें पकड़ने आ गए ये लोग। ठीक है, तो जो पढ़ी लिखी सोसाइटी होती है वहां नहीं ऐसा चलता। ठीक है, वहाँ जब आपने मूवीज में देखा होगा, जब पुलिस आती है तो वो पूछते हैं, इंस्पेक्टर आपके पास रेस्टोरेंट है? तो फिर वो इंस्पेक्टर दिखाता है कि ये देखो आपके रेस्टोरेंट है, फिर बैठता है। गांव में पुलिस जाती है, कोई नहीं पूछता कि इंस्पेक्टर आपके पास रेस्टोरेंट है? ऐसी तो हिम्मत नहीं है बेचारे लोगों की, गरीब लोगों की। ठीक है, तो वो जल्दी जल्दी गाड़ी में ऐसे बैठ जाते हैं जैसे कोई बारात जाते हो शादी में। ठीक है, तो एकदम चढ़ जाते हैं गाड़ी में। ठीक है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये चीज पूछनी चाहिए कि आपके पास रेस्टोरेंट है या नहीं है। ठीक है, तो हैबिस कॉर्पस रेट कब लाई जाती है? ठीक है, जब किसी का बंदा पुलिस ने नजायज पकड़ लिया। ठीक है, और देखो हमने कराया था कि 24 घंटे के अंदर अंदर, आर्टिकल 22 में 24 घंटे के अंदर अंदर। ठीक है, 2 दिन का, सॉरी, 24 घंटे के अंदर अंदर उसको कोर्ट में पेश करना होता है। ठीक है, तो पुलिस मान लो कोर्ट में पेश नहीं करती, मतलब नजायज बंदे को उन्होंने हिरासत में रखा है, नजायज उसकी पिटाई कर रहे हैं। ठीक है, पुलिस वाले मतलब मारते हैं, ठीक है, थर्ड डिग्री यूज करते हैं। अब तमिलनाडु का भी केस आया है, ये लॉकडाउन के दौरान आपने सबने सुना होगा। ठीक है, पुलिस हमारी इंडिया की मारती है, ठीक है, बहुत मारती हैं, बाहरले देशों में नहीं मारती। ठीक है, ठीक है, बाहरली कंट्री में, विदेशों में पुलिस वाले को देखकर लोग खुश हो जाते हैं कि ये हमारी हेल्प करेंगे। ठीक है, लेकिन हमारे लोग पुलिस वालों को देखकर दुखी हो जाते हैं कि ये कुछ ना कुछ मांगेंगे। ठीक है, हाँ जी, तो अलग अलग स्टाइल है ये काम करने का। पंजाब पुलिस भी बहुत अच्छी तरह से पिटाई करती है। ठीक है, तो हैबिस कॉर्पस रेट क्या है? जब 24 घंटे के अंदर पुलिस बंदा नहीं दे रही,
और ना ही केस डाल रही है, ना ही कोर्ट में पेश कर रही है, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत। ठीक है, हैबियस कॉर्पस इज लैटिन वर्ड विच मीन्स टू हैव अ बॉडी। ठीक है, टू हैव अ बॉडी। ठीक है, हाँ जी, ये भी पुलिस वाले भी जजमेंट करते हैं। ठीक है, कि कैसा बंदा है, कैसे है। ठीक है, मैं जब घर से बाहर निकलता हूँ, थां थां पुलिस वाले खड़े होते हैं, मैं उनको हॉर्न मारता हूँ कि यार माड़ा मोटा देखो मेरी तरफ। ठीक है, लेकिन वो हाथ ही नहीं मारते, मैं हॉर्न मारता हूँ भी, देखो माड़ा मोटा सुनो भी, मुझे माड़ा मोटा रोको तो सही। ठीक है, वो देख के दूसरी तरफ मुंह कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कोई, अब जैसे कोई औरत अपने जेठ को देकर, ठीक है, थोड़ा शर्मा जाती है। ठीक है, तो वो भी चेक करते हैं, इनको पता होता है कि बंदा कौन गलत है कौन सही है। ठीक है, तो हाँ जी, इग्नोर करते हैं, पता नहीं क्यों इग्नोर करते हैं। ठीक है, मैं तो उनके पास जाता हूँ भी, भाई मेरे पूछो मेरे को भी कोई आपके कागज, कोई कोई हम चलान चलून काटे हैं आपका। ठीक है, तो बहुत कम है कि मुझे रोका हो ऐसा। ठीक है, वे ये भी जजमेंट करते हैं। ठीक है, हाँ जी, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, ये हिदायत देगा वहां की पुलिस को कि देखो हरियाणा वाले भी नहीं पूछते मुझे। ठीक है, हाँ जी, हरियाणा वाले भी नहीं पूछते, हरियाणा भी मैं बहुत सभी डिस्ट्रिक्ट में गया हूँ। ठीक है, हम गाड़ी पे होते थे, हमें रोक भी लेते तो फिर भी कहते जाओ 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 सर। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, सुनो भाई बातें नहीं करनी, ये बहनों का काम होता है बातें करना। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हदायत देता है वहां की पुलिस को, एसएसपी को, कि देखो वो बंदा को पेश करो कहाँ, कोर्ट के सामने। ठीक है, तो ये हैबिस कॉर्पस, फर्स्ट इट इज क्लियर। ठीक है, तो उसको पुलिस कस्टडी से छुड़ाया जाता है हैबिस कॉर्पस में। हाँ जी, क्लियर है। फिर उसके बाद आती है मैनमस। ठीक है, मैनमस इज आल्सो लैटिन वर्ड विच मीन्स टू कमांड। ठीक है, हुक्म देना होता है मैनमस में। मान लो कोई सरकारी बंदा काम नहीं कर रहा, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट उसे इंस्ट्रक्शंस देगी, ऑर्डर देगी कि ये आपकी ड्यूटी है, आप करो। ठीक है, तो ये क्या है, मैनमस है। क्लियर है जी। मान लो सपोज आप आईएएस हैं, ठीक है, आप अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे। ठीक है, मान लो शहर में बहुत ज़्यादा बीमारी फैल रही है, आप उनका कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहे, तो कोई भी पर्सन सिटीजन, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जाके रिट लगा सकता है मैनमस, और सुप्रीम कोर्ट आपको हिदायत देगी। ठीक है, कि आप क्यों नहीं इनिशिएटिव, अपनी ड्यूटी क्यों नहीं निभा रहे। तो जब भी आपको सुप्रीम कोर्ट से जे एक लेटर आएगा, ठीक है, आप तब से मीटिंग बुलाएंगे सारे डिपार्टमेंट की, सारे डॉक्टर को कहेंगे कि मैं आपको सस्पेंड कर दूंगा, जल्दी से जल्दी चेक करो सारे शहर को, कोई डिजीज है ये ब्रेकआउट ना हो जाए। ठीक है, इसका पूरा ध्यान रखो, आप दिन रात काम करेंगे। ठीक है, आपको पता है कोर्ट का ऑर्डर आया है, जे हम नहीं मानेंगे तो जेल यात्रा हो सकती है। तो ये मैंडमस है। मैंडमस क्या, मैं इनको आपको सिंपल शब्दों में बताता हूँ, कोई भी सरकारी अधिकारी जे अपना काम ना करे तो उसको काम मजबूरी से मैनमस कराता है। दिस पॉइंट इज क्लियर, इट इज सो सिंपल। देखो कोर्ट से सब डरते हैं, वहां चाहे पीएम जाएं, चाहे आईएएस जाएं, चाहे आईपीएस जाएं, ठीक है, कोर्ट उनका बैंड बाजा बचाती है पूरी तरह। ठीक है, ये थानेदार पुलिस वाले बारी सुंदर लगते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सामने तो ये जीरो लगते हैं। ठीक है, तो
बहुत गुस्से में होती है, बहुत जबरदस्त क्लास लगाती है। मैंने बहुत कोर्ट अटेंड किए हैं, ठीक है, मैंने देखा है, वो तो जुलूस निकाल देती है पूरा, ठीक है। जी आप भी अपना, जब आप ऑफिसर बन गए, काम अच्छे से करना, ठीक है, आपकी मेंडमस प्रैक्टिकल ना हो जाए, कितने आपको कोई आपके खिलाफ मेंडमस इशू करा दे, ठीक है। तो इसलिए आपको करवाया जाता है, सब चीजें पढ़ाई जाती है, ठीक है, पहले ही सिलेबस कराया जाता है इस चीज का, ठीक है। कहते फिर सोचते रहो कि सर प्रैक्टिकल बोलते थे, प्रैक्टिकल बोलते थे, ठीक है, तो लो इसका भी प्रैक्टिकल हो गया, ठीक है, आपकी नींद उड़ जाएगी 2-4 दिन के लिए। हाँ जी, नेक्स्ट है क्यूब रंटो, और ये रेट क्यूब रंटो क्या है, जो आदमी फिट नहीं है, कंस्टिट्यूशन के मुताबिक योग नहीं है, ठीक है, जो कंस्टिट्यूशन के मुताबिक योग नहीं है, फिट नहीं है, ठीक है, ओके, तो हाँ जी, क्यूब रंटो, कोई पर्सन कंस्टिट्यूशन के मुताबिक कोई फिट नहीं है, ठीक है, योग नहीं है। जैसे आप कोई जॉब का आपने पेपर दिया, ठीक है, ठीक है, हाँ जी बेटा, आपके मम्मी भी लेक्चर देख रहे हैं, ठीक है, थैंक यू सो मच। हाँ जी, तो देखो, मान लो एक पर्सन है, उसके मार्क्स कम है, ठीक है, जहाँ उन्होंने कोई रिश्वत दे दी, ठीक है, कोई पैसा दे दिया, ठीक है, तो उस बंदे को जॉब पे रख लिया और आपको नहीं रखा, ठीक है, तो ये आपके फंडामेंटल राइट की वायलेशन होगी, ठीक है। नौकरी बनती है आपकी थी और दे दी किसी और को, हाँ जी, देखो भी आप कमेंट्स मत करो, ठीक है, हाँ जी 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 हाँ जी, कैंसिल तो हो ही सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑर्डिनेंस को प्रेसिडेंट कैंसिल कर सकता है, ठीक है। हाँ जी, हम क्या कर रहे थे, क्यूब रंटो, हाँ जी, हाँ जी, क्यों व्रंटो, किसी गलत बंदा फिट हो गया तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे आर्टिकल 32 के अनुसार, ठीक है, तो वो रिट इशू करेगी क्यों व्रंटो, ठीक है, आप इसे ऐसे याद रखे, क्यों क्यों बैठा है तू मेरी सीट पे, ठीक है, क्यों बैठा है तू, ठीक है, तो ये है क्यों व्रंटो, ठीक है, आप समझो, इसे लिंक बनाओ इसके, क्यों कैसा राइट है आपका कि आप क्यों बैठे हो, ठीक है, तो क्यूब रंटो क्या करेगी, उसको हटा देगी और उसकी जगह आपको लगा देगी, ये क्यूब रंटो है। बोलो बच्चों, दिस पॉइंट इज क्लियर, ओके, हाँ जी, नेक्स्ट रेट है परहेप्शन और शर्शरी, परहेप्शन एंड शर्शरी, ये कोर्ट से रिलेटेड है। मान लो कोई छोटी कोर्ट, ठीक है, लोअर कोर्ट में कोई केस चल रहा है, ठीक है, बाद में पता लगता है कि ये फंडामेंटल राइट वायलेशन है,
तो सुप्रीम कोर्ट उसका रिव्यू ले सकती है, वो सारे केस को अपने पास बुला लेगी। ठीक है, तो एक में तो अभी केस चल रहा है उसको बुला लिया, वो तो प्रोहिबिशन है, जिसमें फैसला दे दिया उसको भी सुप्रीम कोर्ट अपने पास केस को ले आएगी, उसे कहते हैं शरशरी। ठीक है, तो ये प्रोहिबिशन और शरशरी, ये रेट्स आपकी क्लियर होगी। बोलो इसमें कोई डाउट है तो। ठीक है, हाँ जी, नहीं समझाया, हाँ जी क्लियर है। ठीक है चलो, प्रोहिबिशन, हाँ जी देखो, सुप्रीम कोर्ट छोटी कोर्ट के पास राइट नहीं है फंडामेंटल राइट को, फंडामेंटल राइट की वॉयलेशन को केस का राइट नहीं है। कई बार क्या होता है कि कोर्ट में केस लग जाता है, पता नहीं लगता कि ये फंडामेंटल राइट्स की वॉयलेशन है या नहीं है। जैसे मैंने एक एग्जांपल, मैंने जब फंडामेंटल राइट कराए थे, मैंने आपको एक एग्जांपल इनसाइट की थी कि मान लो कोई लड़की किसी ऑफिस में काम कर रही है, ठीक है, तो एक मेल कर्मचारी ने उसके थप्पड़ लगा दिए। ठीक है, आप थप्पड़ कहते हो कि चांटा कहते हो, क्या कहते हो आप? ठीक है, हाँ जी, अच्छा दोनों कहते हैं। ठीक है, तो वो मारा, ठीक है, तो वो लोअर कोर्ट में केस चला गया, लोअर कोर्ट में। ठीक है, लोअर कोर्ट में केस चल रहा है, लोअर कोर्ट पता है किस लेवल पे होती है? हाँ जी, किस लेवल पे होती है लोअर कोर्ट? डिस्ट्रिक्ट नहीं है जी, गलत जवाब है आपका। ये क्या नाम है, तहसील आया है मनवी। हाँ जी, सही नाम मैं प्रोनाउंस कर रहा हूँ? हाँ जी, तो मनवी आपको 10 लड्डू इनाम मिलते हैं, और सोफिया की तरफ से बहुत बहुत ब्लेसिंग। ठीक है, ओके मनवी, ठीक है मनवी, मनवी ओके मनवी, बहुत बहुत आपको मुबारक, आपको 10 लड्डू इनाम मिलते हैं। मानवी, ओके मानवी, मानवी मनवी, ओके जी, हाँ जी, तो लेकिन लेकिन बाद में पता चलता है कि देखो भाई, ये सिर्फ तमाचे मारने का केस नहीं है। ठीक है, बाद में कोर्ट को ट्रायल दौरान पता लगा कि देखो, ये औरत की डिग्निटी पे अटैक था। ठीक है, उसको नोइंगली परेशान करते थे, ठीक है, उसे अब्यूज्ड किया जा रहा था। ठीक है, बाद में पता लगा कि ये आर्टिकल 21 के तहत, ठीक है, कि औरत की जो इज्जत है, डिग्निटी है, ठीक है, उनको ठेस पहुंचाई जा रही थी, तो इसके तहत फंडामेंटल राइट की वॉयलेशन सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो सुप्रीम कोर्ट ये सारा मैटर खुद उठा लेगी, ठीक है, केस चलने के दौरान, उसे कहते हैं प्रोहिबिशन। ठीक है, जब फैसला भी आ गया तो उसमें सजा भी सुना देगी, उसको ले लेगी, तो उसे कहते हैं शरशरी। ये प्रोहिबिशन एंड शरशरी है। हाँ जी, जिस केस का फैसला हो चुका है वो शरशरी है जी। हाँ जी, ये रेट क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट है एपेलेट यूरिडिक्शन। ठीक है, एपेलेट यूरिडिक्शन, देखो एपेलेट क्या होता है, एपेलेट होता है बाय अपील। अपील कहाँ से चलती है, आप मुझे कमेंट्स में लिखें।
अपील कहां से स्टार्ट होती है? ये बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, पंचायत। ये बिंदु का सही आंसर है। ठीक है, रोहित कुमार। ठीक है, बिंदु और रोहित कुमार को 10-10 लड्डू नाम मिलते हैं। आई थिंक ज्योतिका, इनका भी सही आंसर है पंचायत। पंचायत से स्टार्ट होता है। और आपको सोफिया की तरफ से बहुत बहुत ब्लेसिंग और मेरी तरफ से लड्डू। ठीक है, आपने सही आंसर बताया। सबसे जो छोटी इकाई होती है वो पंचायत होती है, उसके बाद लोअर कोर्ट होती है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है। कल मैंने इंटीग्रेटेड सिस्टम आपको कराया था, उसके बाद हाई कोर्ट होती है, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट होती है। तो ये हमारा जुडिशरी का स्ट्रक्चर है। ठीक है, आपने तो मेरी ड्यूटी लगाई है कि सर आप याद करो, हमें क्या जरूरत है याद करने की, है ना? तो आप सब ने मेरी ड्यूटी लगा रखी है। तो पंचायत के खिलाफ जो भी पार्टी हारती है वो फिर लोअर कोर्ट में जाती है, लोअर कोर्ट में हार जाती है तो फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगी फिर, ठीक है, हाई कोर्ट जाएगी, हाई कोर्ट के हारने के बाद किसके पास जाएगी? सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट से भी जे हारगी फिर कहाँ जाएगी बोलो? सुप्रीम कोर्ट के बाद किसके पास फैसला चैलेंज किया जाता है सुप्रीम कोर्ट का बोलो? हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहाँ चैलेंज होता है? प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही है। बहुत सारे कैंडिडेट का आंसर सही आ रहा है। कमल सिंह, रबिका, ठीक है, राधा, ये सब लोगों को, पल्लवी, ठीक है, सुमनप्रीत, सबको 10-10 लड्डू नाम मिलते हैं। और सोफिया की तरफ से बहुत बहुत ब्लैसिंग्स। ठीक है, जिन्होंने भी सभी आंसर दिया सबको ब्लैसिंग, पर सबके नाम नहीं ले जाएंगे। ठीक है, तो हाँ जी, तो अपील अपील होती है एक छोटी दाल से बड़ी दाल तक, फिर बड़ी दाल तक। ठीक है, तो अपील कितने तरह की होती है? पहला आ गया कॉन्स्टिट्यूशन मैटर। ठीक है, कहते अपील सुप्रीम कोर्ट को की जा सकती है किसी भी जज, हाई कोर्ट की जजमेंट पे। ठीक है, जे केस क्वेश्चन ऑफ लॉ है, लॉ की रिगार्डिंग है। ठीक है, तो पार्टी सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है। ठीक है, ये लॉ का क्वेश्चन है। तो बहुत से मैटर सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ का मैं एग्जांपल देता हूं आपको। एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदलू कानून, देखो ये कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, एंटी डिफेक्शन लॉ। जैसे स्पीकर, स्पीकर के पास क्या शक्ति है किसी को डिसमिस करने की, क्या है या नहीं है, ये हाई कोर्ट में चैलेंज किया। हाई कोर्ट ने कोई उसका कोई वर्डिक्ट दे दी, कोई फैसला दे दिया, फिर पार्टी वो सुप्रीम कोर्ट में चली जाती है। ठीक है, जैसे बंदे, कई बंदों को डिसमिस कर दिया, डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। ठीक है, वो हाई कोर्ट जाते हैं, फिर वहां से कोई फैसला आता है, फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो ये क्या है, क्वेश्चन ऑफ लॉ है। ठीक है, तो ऐसे मैटर में हाई कोर्ट के खिलाफ जो अपील है वो कहाँ चलती है? सुप्रीम कोर्ट में। ऐसा नहीं है, प्रेसिडेंट का फैसला भी चैलेंज होता है फिर सुप्रीम कोर्ट में। जो दिल्ली गैंगरेप वाला केस हुआ था, ठीक है,
निर्भय कांड जो उसकी महान आत्माएं थी, ठीक है, उन्होंने राष्ट्रपति के पास पास दया याचिका लगाई थी, ठीक है, तो उन्होंने बाद प्रेसिडेंट ने उनकी डिसमिस कर दी दया याचिका, फिर उन्होंने प्रेसिडेंट के फैसले को भी चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, तो ये लास्ट रिजॉर्ट है प्रेसिडेंट से वापस आने की। चलो हम आगे करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन मैटर क्लियर है, फिर आगे सिविल मैटर। देखो सिविल मैटर क्या होता है, एक क्रिमिनल मैटर होता है, ठीक है, एक क्रिमिनल मैटर होता है, एक सिविल मैटर होता है। सिविल केस क्या होता है, जिसमें फिजिकल इंजरी नहीं हुई होती, ठीक है, जिसमें फिजिकल इंजरी नहीं होती, ये सिविल मैटर होते हैं, जैसे पैसों का मामला, प्रॉपर्टी का मामला, ठीक है, ये शादी में डिस्प्यूट आ जाना, ठीक है, ये क्या सिविल मैटर होते हैं, ठीक है। क्रिमिनल मैटर क्या होता है, जिसमें फिजिकल इंजरी होती है, ठीक है, तो जैसे किसी को मार दिया, मर्डर कर दिया, ये क्रिमिनल मैटर है, ठीक है। हाँ जी क्लियर है, हाँ जी। चलो मैं आपको एक बताता हूँ कि सिविल मैटर क्या होता है। मान लो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से नाराज हो गई और वाइफ अपने मायके चली गई, ठीक है, तो वो कोर्ट में जाता है, तो ये सिविल मैटर कहलाएगा। हाँ जी क्लियर है, तो क्रिमिनल मैटर क्या होगा, मान लो दोनों में डिस्प्यूट हो गया, हस्बैंड ने उसकी अच्छी पिटाई की, ठीक है, वो हॉस्पिटल में एडमिट होगी, ठीक है, उसके काफ़ी काफ़ी इंजरीज होगी, ठीक है, उनकी बाजू टूट गई, ठीक है, और काफ़ी गहरी चोटें आई हैं, तो वो क्रिमिनल हो जाएगा। अब समझ आया सिविल और क्रिमिनल, हाँ जी, अब तो क्लियर है। थोड़ी चाय बना ले। अरे भाई सिविल केस जिसमें फिजिकल इंजरी नहीं हुई, ठीक है, मैं आपसे कहूँ कि मुझे आप 1 लाख रुपए उधारा दो, ठीक है, 1 लाख उधारा लेके फिर मैं वापस ना करूँ, ठीक है, एक्सीडेंट क्रिमिनल होता है, ठीक है, लेकिन हाँ जी उसमें सजा होती है, ठीक है जी। जब बोल बोल के थक जाते हैं तो थोड़ा चाय पीने से रिलीफ मिल जाता है, ठीक है। चलो सिविल केस में क्या है, कहते के हाई कोर्ट ये सर्टिफाई करे कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिसाइड करना चाहिए, ठीक है। दूसरा, क्वेश्चन नीड्स टू बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। ठीक है, लेकिन सिविल केस में पैसों का भी हिसाब किताब होता है कि इतनी अमाउंट वाले पैसे ये कोर्ट डिसाइड करेगी, ठीक है। इन्होंने 20,000 लिखा है कि अपील किए जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, मेरे ख्याल में ये नहीं है, ये सब चेंज हो गया होगा, आप चेक करना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ क्रिमिनल मैटर पे, ठीक है, हाँ जी। तो क्रिमिनल मैटर पे आ जाओ,
ठीक है, कहते कि जो हाई कोर्ट है, ठीक है, हाँ जी, चलो आप कमेंट्स में मुझे बताएं टोटल कितनी हाई कोर्ट है इंडिया में, टोटल कितनी हाई कोर्ट है इंडिया में। 24। अंकित का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। अंकित जी, आप लगातार सिक्सर पे सिक्सर, सिक्सर पे सिक्सर, लगता है बॉल गवाच गई। ठीक है, तो आप, ठीक है, आपको 10 लड्डू ना मिलते हैं, और सोफिया की तरफ से बहुत बहुत ब्लेसिंग्स। ठीक है, तो कहते हैं कि हाई कोर्ट रिवर्स कर देती है ऑर्डर। हाई कोर्ट कैसे रिवर्स कर सकती है? मान लो सेशन कोर्ट ने उसे डेथ सुना दी, मौत की सजा दे दी, डेथ पेनल्टी दे दी, हाई कोर्ट उसे छोड़ देती है। ठीक है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास अपील हो सकती है। ठीक है, हाँ जी, कहते कि हाई कोर्ट क्या करे, सेशन कोर्ट से केस लिया, हाँ जी, व्हाट हैपन, मान लो हाई कोर्ट किसी छोटी कोर्ट से केस को अपने पास ले लेती है और उसे सजा सुना देती है, तो फिर भी मैटर ये सुप्रीम कोर्ट के पास अपील की जा सकती है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है कि हाई कोर्ट सर्टिफाई करती है कि देखो ये केस आप डिसाइड करो। ठीक है, जैसे आपने डॉक्टर देखा होगा, ठीक है, मान लो जो लोकल हॉस्पिटल है उसके डॉक्टर, मान लो हाई कोर्ट, मान लो हम पेशेंट लेके जाते हैं, वो कहते हैं नहीं जी इसको रेफर करेंगे या पीजीआई या दिल्ली एम्स में। ठीक है, तो वो सुप्रीम कोर्ट होगी, तो हाई कोर्ट भी कह सकती है कि देखो ये मेरे बस की बात नहीं है, तो ये मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास रेफर होना चाहिए। तो ये केस में ये भी अपील है जो जा सकती है क्रिमिनल मैटर में। दिस पॉइंट इज क्लियर, हाँ जी, क्लियर है ये पॉइंट। हाँ जी, नेक्स्ट है अपील बाय स्पेशल लीव। स्पेशल लीव पिटीशन कहते हैं, एसपीएल कहते हैं, स्पेशल लीव पिटीशन। ठीक है, तो देखो गाइडलाइन तो ले सकते हैं, ठीक है, गाइडलाइन देती है, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ये डेथ पेनल्टी अपनी मर्जी से नहीं सुनाती, हाई कोर्ट से यस कराती है। ठीक है, डेथ पेनल्टी हाई कोर्ट की यस से होती है, अदरवाइज सेशन जज डेथ पेनल्टी अपनी मर्जी से नहीं सुना सकता। ठीक है, तो गाइडलाइन तो देखो ली जा सकती है, जो आपके सीनियर्स हैं, आप जॉब पे आएंगे, जब आप आईएएस बनेंगे आईपीएस बनेंगे, तो आपको कोई मैटर समझ नहीं आ रहा, तो आप हाई थाउट से गाइडलाइन ले सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो मना करेंगे कि देखो हम नहीं करेंगे, जो एज पर लॉ जो काम है, मतलब उनकी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, तो वो हो जाती है, कोई ऐसा इशू नहीं है। हाँ जी, स्पेशल लीव पिटीशन क्या है? ठीक है, कि ये डिस्क्रिशनरी पार है। ठीक है, कि द स्पेशल लीव पिटीशन क्या है, इसमें पार्टी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाती है, छोटी कोर्ट से, वो कहती है कि देखो ये
ये केस मेरा यहाँ चल रहा है लेकिन यहाँ सेफ नहीं है, यहाँ मेरा सोल्यूशन नहीं हो सकता, तो सुप्रीम कोर्ट से अपील करती है कि देखो आप सुनो केस। मैं एक पंजाब की एग्जांपल देता हूँ जो मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ी है, ठीक है, बाकी किसी बुक में एग्जांपल नहीं दी गई, ठीक है, तो मैंने एक प्रैक्टिकली पंजाब की एग्जांपल देखी है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। पंजाब में जो शराब के ठेके हैं, ठीक है, वो एक आदमी के, उसका नाम है शिवलाल, ठीक है, जो लोग फिरोजपुर या फाजिलका से हैं, फाजिलका डिस्ट्रिक्ट के हैं पंजाब के, वो जानते हैं, शिवलाल डोडा कहते हैं उसे। हाँ जी, कई साल पहले एक एक लड़के का मर्डर हो गया था, उसका नाम था भीम कुमार टांक, ठीक है, भीम कुमार टांक। तो कहते हैं कि शिवलाल ने उसका मर्डर कर दिया। जो भीमलाल था, वो भीम कुमार टांक था, वो बहुत गरीब आदमी था, बहुत ज्यादा। तो जो शिवलाल है, ये एक बहुत अमीर आदमी है, ये पंजाब का, पूरे पंजाब के ठेके शराब के इनके पास है, ठीक है। जो भीमलाल टांग की माँ ने एसपीएल लगाई सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, कि देखो हम गरीब लोग हैं, एक पासे इतना अमीर आदमी है, तो जहाँ जो फाजिलका कोर्ट है, ये फाजिलका में केस चल रहा था, फाजिलका डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, तो कहते हैं कि यहाँ जो केस है ये सही नहीं चल सकता, यहाँ निर्णय सही नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ इनका बोलचाल है, ठीक है, यहाँ इनकी चलती है बहुत ज़्यादा। तो उनकी माँ ने सुप्रीम कोर्ट अप्रोच किया है एसपीएल से, स्पेशल लीव पिटिशन, ठीक है। तो सुप्रीम फिर सारा मैटर कहाँ चला गया, सुप्रीम कोर्ट में चला गया। तो सुप्रीम कोर्ट सारे मैटर को खुद सुनती है छोटी कोर्ट से मंगवा के, इसको कहते हैं एसपीएल। बोलो क्लियर है? हाँ जी, आपको समझ आया एसपीएल? ठीक है, तो कहते कि किसी भी जजमेंट, एनी मैटर पास्ड बाय कोर्ट ट्रिब्यूनल, ठीक है, पास किया हो, ये मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास डायरेक्ट ले जाया जा सकता है। कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की ये मर्जी है, इसे रिजेक्ट भी कर सकती है कि देखो भाई हम नहीं सुनेंगे, लेकिन उनकी डिस्क्रिशनरी पावर है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। हाँ जी, कहते हैं किसी भी मैटर से रिलेटेड हो सकता है, ये सिविल से हो सकता है, क्रिमिनल से होता सकता है, इनकम टैक्स, लेबर, रेवेन्यू, ठीक है, एडवोकेट्स, ठीक है। तो ये रेट को एसपीएल कहते हैं, स्पेशल ली पिटीशन। देखो केस कौन जीता, शिवलाल जी तो जेल में है तब से, ठीक है, कोर्ट में केस चल रहा है, अब सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस है, ठीक है, अभी तक डिसाइड नहीं हुआ, ठीक है, जब डिसाइड हो जाएगा आपको क्लास में बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको एग्जांपल तो समझ आ गई ना, जब सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगे कि किसी गरीब बंदे के साथ कोई धक्का हो रहा है, ठीक है, तो देखो एसपीएल लग जाती है, ठीक है, पीआईएल भी लग जाती है, एक चैप्टर मैं और कराता हूँ आपको, पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये हम बाद में करेंगे, ठीक है। वो अपनी हाथरस जो यूपी का डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, वहाँ पे एक रेप हुआ है अभी, वो लड़की को मार दिया, हाँ जी आप सबको पता होगा, ठीक है, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया है, ठीक है, तो वो दोनों साइड जा सकता है। हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, वो पीआईएल भी, पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में भी आता है ये। जी तो ये पीएल, सुप्रीम कोर्ट भी ये केस सुन सकती है,
एसपीएल सुन सकती है। जो परिवार वाले कहें कि देखो ये बहुत अमीर लोग हैं, हमारा यहाँ ये कुछ बनने नहीं देंगे, हमें न्याय नहीं मिल सकता, तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं एसपीएल के थ्रू। लेकिन पीआईएल तो चली गई है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। मैंने कल न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया यूपी गवर्नमेंट को कि देखो आप परिवार को प्रोटेक्शन दो, ठीक है, उनको खतरा है उनकी जान को, आप प्रोटेक्शन क्यों नहीं देते, ठीक है। तो मेरा आपको समझाना था एसपीएल, एसपीएल समझाया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है एडवाइजरी यूरिडिक्शन। हाँ जी, एडवाइजरी, एडवाइजरी क्या होता है? सलाहकारी। प्रेसिडेंट सलाह मांगता है सुप्रीम कोर्ट से कि देखो ये मुझे सलाह दो, ये काम लॉ के मुताबिक कैसा होगा, हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट देती है, लेकिन प्रेसिडेंट की मर्जी है, ठीक है, उसे माने या ना माने, ठीक है, लेकिन कोर्ट को अपनी ओपिनियन देनी पड़ेगी। ये आर्टिकल 143 है, ठीक है। तो कहते हैं कि प्रेसिडेंट ने बहुत सारे केसेस में ये लिस्ट दी गई है, मैं सारे नहीं कराऊंगा, आई एम वेरी सॉरी, मैंने एसवाईएल का आपको कल बता चुका था, ठीक है। इन सारे केस में राष्ट्रपति महोदय ने सलाह मांगी है, ठीक है। आप भी जब आईएएस आईपीएस लगेंगे, जब आप ऑफिसर लगेंगे, आपको लॉ का जो टेक्निकल पॉइंट है उसके लिए आपको सलाह लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम जैसे लोगों के पास फिर आपको कांटेक्ट रखने ही पड़ेंगे। आपको कोई मैटर आपके सामने ऐसा आएगा कई बार कि आप सोच में पड़ जाएंगे, ये हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, फिर हमारी सलाह भी काम आएगी आएगी, ठीक है। चलो एक नेक्स्ट है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कैसे काम आते हैं आईएएस आईपीएस के भी, ठीक है। चलो, मेरा एक दोस्त आईएएस लगा, ठीक है, उसकी ड्यूटी लगी केरला में, ठीक है। केरला में मानसून बहुत धमाकेदार आता है, ठीक है, तो वहाँ बारिश बहुत मूसलाधार बारिश होती है केरला में, ठीक है। जब वो पहले दिन ही उनको ट्रेनिंग लगाया गया, उधर फोन आ रहे कंग्रेचुलेशंस, ठीक है, आप आईएएस बन गए। उसी टाइम एन बीच में एक फोन आता है, कहते हैं जी एक स्कूल है, स्कूल के पास एक बहुत बिल्डिंग है बहुत पुरानी, वो दीवार गिरने जा रही है, आप कुछ करो नहीं तो बच्चे मर जाएंगे स्कूल के, ठीक है। तो वो वहाँ अपने जो सुपरिटेंडेंट होता है, पीए होता है, उससे पूछता है, कहते है, वो उससे पूछे तो बहुत अगला सामने वाला कहेगा कि आप आईएएस हैं, मेरे से पूछ रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन वो बड़ा स्मार्ट था, पीए को कहता है कि आप मेरी देखो दीवार गिरने जा रही है, आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते, ठीक है। वो कहता है सर चलो मौका देखते हैं जाके, तो वहां चले जाते हैं, ठीक है। तो वो वहां पुलिस लगा के ट्रैफिक बंद कर देते हैं कि जे देखो ये सड़क पे आ गई तो लोग मारे जाएंगे, ठीक है। एक तरफ स्कूल है, एक तरफ सड़क है, रोड है, तो वो रास्ता सारा बंद करा देते हैं कि इधर से कोई जाए ना आए, ठीक है। तो वो जल्दी में जाकर स्कूल वाले बच्चों को छुट्टी कर देते हैं कि देखो आप जाओ, पूरी बारिश में पूरे भीग जाते हैं, ठीक है। तो फिर वो जब दीवार गिराने लगते हैं तो फिर उनके पीए बताते हैं, कहते सर ये कोर्ट में पेंडिंग है मसला, हम इसे नहीं गिरा सकते, ठीक है। उधर से फोन आ रहे हैं घर से, आप कैसे फील कर रहे हो,
कैसा लग रहा है आपको पहला दिन? अच्छा लग रहा है, बहुत मजे कर रहे हैं, लेकिन वो बारिश में खड़ा 3 घंटे से, ठीक है? फिर वो फोन लगाता है किसी वकील को, एडवोकेट को फोन लगाता है कि देखो कोर्ट में केस पेंडिंग है, हम दीवार गिरा सकते हैं या नहीं गिरा सकते, जे अपने आप गिर गई तो लोग मार देगी ये, ठीक है? तो उस एडवोकेट ने क्या बोला, मैं कमेंट्स में जानना चाहता हूँ, आप बताओ क्या होगा, आप दीवार गिरा सकते हैं या नहीं गिरा सकते, मैं आपसे ही पूछता हूँ। चलो हाँ जी, ये ज्योतिका का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, किसी की जान बचाने के लिए हम दीवार गिरा सकते हैं, आपको 10 लड्डू ना मिलते हैं, और सोफिया की तरफ से बहुत बहुत ब्लेसिंग्स, सभी का आंसर ठीक आया है, हम गिरा सकते हैं, ठीक है? लोगों की सेफ्टी हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, ये एडवोकेट ने बताया, ठीक है? जब आप लगेंगे तो आपको भी मेरी जरूरत पड़ेगी, ठीक है? तो आपने मत सोचना कि देखो हम सर से पढ़ लिए हैं, अब ऑफिसर बन गए, हमने क्या लेना, ठीक है? कौन सर क्या, हम तो जानते नहीं है, ठीक है? आप में ईगो नहीं आनी चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, आर्टिकल 129। अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, जितने भी जजमेंट प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट के, वो रिकॉर्डेड किए जाते हैं, ठीक है? तो इसे एविडेंस माना जाता है, जो लॉ वाले बच्चे हैं ये समझते हैं, ठीक है? इससे मार्गदर्शन जितने भी दूसरी कोर्ट हैं उसको गाइड करते हैं, ये गाइडलाइन देते हैं कि देखो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है जी, थैंक यू सो मच। हाँ जी, तो ये गाइडलाइन करता है, ठीक है? गाइडलाइन देता है, जितनी भी छोटी कोर्ट है जब भी वो फैसला डिसाइड करेगी, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले फैसला वो डिसाइड किया होता है, तो आप उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। हाँ जी, ये बात आप समझ रहे हैं, ठीक है? वो रिकॉर्ड रहता है, पूरा रिकॉर्ड रहता है, गाइडलाइंस रहती हैं उस केस के लिए, ठीक है? हाँ जी, तो छोटी कोर्ट उसे मानती है, ठीक है? छोटी कोर्ट उसे मानती है कि ठीक है जी, ये फैसला आया, जैसे मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, वैसे ये हाई कोर्ट का फैसला है, ठीक है? जैसे एक औरत ने अपने पति के खिलाफ केस डाला टॉर्चर का, ठीक है? टॉर्चर का रीजन बताया उन्होंने कि ये सुबह मुझे चाय नहीं पिलाते बना के, ठीक है? तो मुझे डिवोर्स चाहिए, ठीक है? तो मान लो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि देखो ये टॉर्चर का केस नहीं है, ठीक है? तो टॉर्चर तो आप कर रहे हैं खुद अपने पति को, ठीक है? आप चलाए चाय नहीं पिला सकते, ठीक है? ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है। जे पति आपको आलू वाले परौंठे खिला सकता है, आपको गोभी बना के खिला सकता है, तो आप चाय नहीं पिला सकते, बहुत बहुत अच्छी बात नहीं है ये, ठीक है? तो मान लो वो सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड कर दिया कि देखो ये टॉर्चर का मैटर नहीं है, हमें नहीं लगता ये ऐसे केस में ये औरत का टॉर्चर बनता है, तो छोटी कोर्ट पे के पास जब कोई केस जाएगा, कोई बहन जाके कहेगी कि मेरे पति ने आज मुझे ये नहीं खिलाया ये नहीं पिलाया, तो मैं इससे डिवोर्स लेना चाहती हूँ, तो वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को मानेंगे, वो कहेंगे कि देखो उस केस में ये चीज हुई है, तो हम भी ऐसा नहीं करेंगे, उसको मार्गदर्शन मानते हैं, उसको लेके चलते हैं। हाँ जी, समझ आया जा नहीं है?
हाँ जी, बाकी कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट है, ठीक है, जो इनकी कोई इंसल्ट करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसे पनिश कर सकती है, ठीक है। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट मैंने आपको दो, आपको बताया था कि ये टू टाइप्स की है, सिविल एंड क्रिमिनल्स, ठीक है। कोर्ट की अथॉरिटी को कहते हैं कि सिविल कंटेम्प्ट मीन्स विलफुल डिसोबीडियंस टू एनी जजमेंट ऑर्डर रिट और अदर प्रोसेस ऑफ कोर्ट, विलफुल ब्रीच ऑफ अंडरटेकिंग गिवन टू ए कोर्ट। कहते हैं कोई सिविल में क्या होता है कि आप कहना नहीं मानना, ठीक है। क्रिमिनल मीन्स पब्लिकेशन ऑफ एनी मैटर और डूइंग एनी एक्ट, ठीक है, जैसे स्कैंडलाइज करना, दोष लगाना कोर्ट पे, ठीक है, उनके काम में इंटरफियरेंस करना, ठीक है, ये क्रिमिनल आता है, ठीक है, ये क्रिमिनल में आता है। जैसे क्रिमिनल में क्या कि कोई मान लो केस हार गया, वो बाहर आके मीडिया को कहें देखो भाई जज तो पैसे लेते हैं मेरे खिलाफ, जजेस ने ऐसा फैसला दे दिया, उन पे गलत एलिगेशन लगाए, ठीक है, जहाँ वहाँ कोर्ट में चिल्लाने लग जाए, ठीक है, चीके मार लग जाए, ठीक है, तो उनके काम में बाधा डालना, कोर्ट लगने ना दे, ठीक है, वहाँ हंगामा करे खूब, तो ये क्रिमिनल का पार्ट है, ठीक है। तो मैक्सिमम जो सेंटेंस है इसमें 6 मंथ की होती है, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि वो चेक करना, आपने जस्टिस करने वाला किसी ने चेक किया, एक जज को सजा हुई है कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में, जस्टिस करनम सुना आपने, देखा किसी ने उसकी कोई वीडियो जहां उसके बारे में पढ़ा? एक जुडिशियल रिव्यू की पार है ये तो हम, मैंने आपको बहुत कराया जुडिशियल रिव्यू, कल जो मैंने आपको करा था कि मोदी जी ने जो लॉ पास किया है एनजीसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अल्ट्रा वायरस, ठीक है, अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर दिया, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के पास शक्ति है कि जो कोई पार्लियामेंट लेजिस्लेचर गलत लॉ बनाती है, ठीक है, तो उस लॉ को खत्म किया जा सकता है जो जुडिशी का रिव्यू है। इसके अलावा और अदर पावर्स क्या हैं, जो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को डिसाइड करती है, दोनों में डिस्प्यूट हो जाए, ये भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है, ये इंक्वायरी करती है यूपीएससी, ठीक है, यूपीएससी के मेंबर चेयरमैन की, ठीक है, ये अपनी जजमेंट को रिव्यू कर सकती है, दोबारा देख सकती है, रिव्यू पिटिशन होती है, ये आर्टिकल 137 है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको बहुत सारे केसेस बताए, ठीक है, गोलखानाथ केस, गोलकनाथ केस, ठीक है, गोलकनाथ केस, शंकरी प्रसाद केस, केशवानंद भारती केस, सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले कहा वो वापस ले लिया, ठीक है, हाँ जी, तो जो बात कह दी उसके उल्ट फिर फैसला दे सकती है, ये रिव्यू पिटिशन है कि वो दोबारा से देख सकती है रिव्यू पिटिशन। पार्टी के पास ऑप्शन होती है कि रिव्यू, आपने क्रिकेट में देखा होगा कि रिव्यू लिया जाता है कि देखो ये फैसला सही है या गलत है दोबारा से, ठीक है, तो ये रिव्यू पिटीशन है। ये कोई भी हाई कोर्ट के पास कोई केस पेंडिंग है उसको ये अपने पास बुला सकती है, अनदर कोर्ट में सेंड कर सकती है, जो इसने कहा वो सारी कोर्ट पे बाइंडिंग होता है, सारी कोर्ट को वो मानते हैं, जितनी भी कोर्ट है पूरे देश में, ठीक है, उनकी देख रेख ये करती है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की अल्टीमेट इंटरप्रेटर है, जब संविधान की बात आई आती है तो सामने
संविधान की व्याख्या ये करती है, जो संविधान में डिस्प्यूट हो जाए, कोई ऐसी कोई चीज आ जाए, ये संविधान में कैसा है, कैसे होना चाहिए, तो ये फाइनल इंटरप्रेटर है। कैसे, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन कहते 50% से ज़्यादा नहीं हो सकती, ये हो गई तो ये मैटर को कौन इंटरप्रेट करेगा? सुप्रीम कोर्ट बताएगी कि क्या सही है क्या गलत है, ये चीज है। हाँ जी, तो सुप्रीम कोर्ट के नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है, ये भी करा देते हैं, ठीक है। सीनियर एडवोकेट है, ठीक है, तो उन्हें डेजिग्नेट किया जाता है सीनियर एडवोकेट, ठीक है, बाय सुप्रीम कोर्ट और बाय हाई कोर्ट दोनों कर सकते हैं। कहते कोर्ट कैन डेजिग्नेट एनी एडवोकेट विद हिज कंसेंट एज ए सीनियर एडवोकेट, ठीक है, उनकी इच्छा से उनको सीनियर एडवोकेट का दर्जा दिया जा सकता है, ठीक है। लेकिन सीनियर एडवोकेट किसी भी केस में पेश नहीं हो सकता, ठीक है, उसे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होते हैं, उनकी उनकी कंसेंट लेनी पड़ती है, ठीक है। हाँ जी, तो हाँ जी, तो फिर एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है, कोई भी मैटर, कोई भी डॉक्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट के सामने ये फाइल कर सकते हैं, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, ये पहले नंबर के वकील होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो कोई भी मैटर ये फाइल कर सकते हैं, कोई केस फाइल कर सकते हैं, ठीक है, तो किसी भी पार्टी की जगह ये सुप्रीम कोर्ट में हो सकते हैं। जो सीनियर एडवोकेट होते हैं वो इनकी हेल्प लेते हैं, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की, ठीक है। बाकी अदर एडवोकेट होते हैं, जो स्टेट के एडवोकेट होते हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट में जाके अपना केस लड़ सकते हैं, लेकिन वो कोई डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में कोई भी फाइल नहीं कर सकते केस, ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं फाइल कर सकते, ये अदर एडवोकेट्स हैं ये, ठीक है। तो ये बेटा सुप्रीम कोर्ट चैप्टर खत्म हो गया, कोई क्वेश्चन आपका हो? चलो ठीक है जी, आज का काम बहुत है, इतना ही। जी चलो ठीक है जी, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।